शिवसेना के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि भविष्य में एकनाथ शिंदे को हटाकर अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पवार को वित्त और योजना मंत्रालय दिए जाने के बाद राउत ने यह दावा किया कि अजीत पवार भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह निश्चित है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि उन समय 40 विधायकों से बदला ले रहा है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। दानवे ने कहा कि जब अजीत पवार महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा थे तब शिवसेना के विधायकों ने उन पर उन्हें धन से वंचित करने का आरोप लगाया था और पार्टी छोड़ दी थी और आज वही व्यक्ति राज्य के वित्त मंत्री बन गए हैं। पिछले साल जून में शिंदे के विद्रोह के चलते शिवसेना विभाजित हो गई थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी। एमवीए सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल थी। शिवसेना में विद्रोह के बाद शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री शिंदे के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अजीत पवार के अलावा रंकापा के 8 अन्य विधायकों को भी विभिन्न विभाग सौंपे गए हैं। बयान में कहा गया कि धनंजय मुंडे को कृषि विभाग दिया गया है जबकि दिलीप वालसे पाटिल नए सहकारिता मंत्री होंगे। रंकापा के अन्य नेताओं हसन मुश्रिफ को चिकित्सा शिक्षा, छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, धर्मराव आत्राम को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, संजय बांसोड़े को खेल, अदिति तटकरे को महिला बाल विकास और अनिल पाटिल को राहत पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।